solve the following pair of linear equations by the substitution method. See, in this section, the given equations are 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, इसको first equation बोल देते हैं, and 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3, call it as equation 2. Now, जो equations given है आपको वो decimal के form में, तो हमको solve करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो हम क्या करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को हम थ्रूआउट 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके लिए सॉल्व करना इजी पड़ेगा. तो यहां पे लिख भी देता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस बाय 10 वी गेट फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिलेगा 2x plus 3y is equal to 13, call it as equation 3. And second equation will give you 4x plus 5y is equal to 23, call it as equation 4. ठीक, अब जो equations आपको solve करने हैं वो ये third और fourth है, first और second नहीं. ठीक है, अब substitution method के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी एक को, किसी भी एक variable को दूसरे variable के terms में हम express करेंगे. तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इस fourth equation की ही बात करें, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4x is equal to 23 minus 5y, ठीक है, which will give us x as 23 minus 5y upon 4. तो ये जो x की वैल्यू आपको फोर्थ इक्वेशन से पता चला है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, थर्ड इक्वेशन में. तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू. ठीक, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 23 minus 5y over 4 in equation 3, we get, जब आप third equation put करेंगे, तो ये जाएगा 2 times of x is what? X is 23 minus 5y over 4 plus 3y as such is equal to 13. ये आपका third equation ध्यान रखिएगा, जिसमें हमने x की value put करी है. तो ये तो 2 1s और 2 2s यहीं पे कैंसिल हो गया. अब एक काम करता हूँ, मैं थ्रू आउट इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 23 माइनस 5y, और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू 13 2s 26, विच गिव्स अस 23 माइनस 5y प्लस 6y विल गिव यू y इज इक्वल टू 26, विच गिव्स अस y इज इक्वल टू 26 माइनस 23 विच इज इक्वल टू 3. तो आपको y की वैल्यू पता चल गई as 3. अब इस y की वैल्यू को आप कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो मैं काम करता हूँ यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ y की वैल्यू. ठीक है, तो जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x मिल जाएगा आपको 23 माइनस 5 टाइम्स ऑफ y इज व्हाट, 3 ओवर 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 23 माइनस 5, 3 इज़ 15 अपॉन 4, विच गिव्स अस x एज 23 minus 15 is 8 over 4, और हमको मालूम 8 upon 4 is 2, which gives us x as 2. तो आपको जो दोनों वेरिएबल थे x और y वो पता चल गया, x आपका 2 है और y आपका 3. So therefore the solutions of the given pair of linear equations are x is equal to 2 and y is equal to 3. So this completes our solution. Let us now move on to next section.